हे गाइस, दिस मी हसन एंड वेलकम टू हसन एकेडमी। तो हम लोग इस चैनल में जनरली फार्मा रिलेटेड टॉपिक पे बात करते हैं। उसके अलावा जितना भी नेशनल लेवल की एग्जाम है या फिर कहीं भी वैकेंसी हो तो उसका रिगार्डिंग भी हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो आज बात करेंगे, कुछ डाउट थे बच्चों के रिगार्डिंग GATE 22 फॉर्म फिलअप या फिर गेट का एग्जाम बोल लो। तो जो भी डाउट थे मैं इस पेज में लिख के रखा हूँ, तो एक के बाद एक मैं डिस्कशन कर दूंगा। अगर आप भी एक गेट एस्पिरेंट हो तो वीडियो को लास्ट तक देखो ताकि आपका भी डाउट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो कुछ बच्चे बोल रहा था कि गेट का फॉर्म फिलअप किस तरह से किया जाता है, डिटेल्स फॉर्म फिलअप करके दिखाओ। तो वो तो मेरे लिए इस टाइम पॉसिबल नहीं है, आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, इतना कुछ खास है ही नहीं। अपना डिटेल्स भरना है और जो भी अपना सब्जेक्ट है उसके बारे में भरना है, और आप जहां से भी ग्रेजुएशन किया था उसका डिटेल्स थोड़ा बहुत देना है, और एग्जाम सेंटर इतना ही है। और हाँ, फॉर्म फिलअप में इस बार फोटो और जो भी फोटो आईडी है उसके बारे में कुछ रूल रेगुलेशन दिया हुआ है, आप एक बार देख लेना कि किस तरह से फोटो को मैच किया जाता है। अगर फोटो, और उसमें भी इतना डाउट नहीं रहना चाहिए, अगर आपका फोटो एक्सेप्टेबल ना हो तो वहां पे अपलोड ही नहीं होता है, ठीक है ना। तो अपलोड हो जाएगा जब एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो उसके बाद किसी ने दिया है कि लास्ट डेट के बारे में, कौन सा एग्जैक्ट लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का। तो देखो, विदाउट फाइन अगर आप फॉर्म फिलअप करने जाओ ना तो आज ही लास्ट डेट है 24, तो जल्दी से आप कर दो। और अगर आपको लगता है कि आप फाइन दे के भी कर सकते हो, जो 500 फाइन है, तो वो होने से 1 अक्टूबर, अक्टूबर का फर्स्ट तक आप कर सकते हो। और ऐसे भी 500 फाइन क्यों देने का, 500 बहुत ज्यादा होता है, 2 बिरयानी आ जाएगा, ठीक है ना। तो आज ही कर दो, आज काफी लोगों का पेमेंट इशू भी हो रहा है क्योंकि लास्ट डेट है। तो जल्दी से जैसे भी हो करना है तो कर दो। और उसके बाद कुछ बच्चों ने दिया था रिगार्डिंग 2 सब्जेक्ट कि 2 सब्जेक्ट का क्या प्रॉब्लम है और किस तरह से होता है। तो देखो, 2 सब्जेक्ट आपको किस तरह से सिलेक्ट करना है इसके बारे में भी बोल के रखा है। तो बेसिकली आप जब 1 सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे ना, तो उस सब्जेक्ट रिगार्डिंग आप दूसरा सब्जेक्ट क्या आप ऐड कर सकते हो या फिर कौन सा सब्जेक्ट से आप गेट दे सकते हो, वहां पे लिस्ट आ जाएगा। जैसे मैंने खुद 2 दिन पहले फॉर्म फिलअप किया था, तो मैंने केमिस्ट्री जब डाला ना तो वहां पे लाइफ साइंस और एक सब्जेक्ट भी आ गया था, आई थिंक केमिकल इंजीनियरिंग ऐसा कुछ आ गया था। तो वहां में से कोई और एक सिलेक्ट करना होता है। बट एक बात याद रखना, ये 2 सब्जेक्ट अगर आप दोनों फील्ड में इक्वली अच्छे हो तभी देना, नहीं तो 3000 रुपया बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। एक सब्जेक्ट का 1500 और 2 सब्जेक्ट का 3000 हो जाएगा। तो ये CUCET जैसा नहीं है कि आप 1 सब्जेक्ट ऐड कर दोगे तो सिर्फ 200 रुपया इंक्रीज होगा, ऐसा नहीं है, इक्वल अमाउंट ऑफ फीस ही इंक्रीज हो रहा है। तो काफी मैं यूट्यूब में 1-2 वीडियो देख रहा था जहां पे ऐसा दिया है कि काफी कॉम्बिनेशन जो सब्जेक्ट है ना इस तरह से है कि वो स्टूडेंट वो दूसरा सब्जेक्ट जो भी उन्होंने लिस्ट में रखा है वो उसके लिए उससे क्रैक नहीं कर सकते या फिर इतना ज्यादा सुटेबल भी नहीं है उसके लिए, फिर भी वहां पे रख दिया है। तो आप ऐसे ही 2 सब्जेक्ट फिलअप मत करो अगर आप सुटेबल ना हो, क्योंकि आपका 3000 जाएगा। और उसके बाद एक किसी ने पूछा था क्या गेट बहुत ज्यादा इजी एग्जाम है, किस तरह से है, इजी है कि नहीं। तो देखो, कितना ज्यादा इजी है कितना टफ है इसके बारे में मैं इतना डिटेल्स नहीं बोलूंगा, क्योंकि जब आप इंटरनेट में जाओ और सर्च करो Top 10 टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया, तो आपको गेट मिल जाएगा, ठीक है ना। नंबर 3, 4, 5 में आपको गेट मिलेगा श्योर। तो वहीं से आपको पता लग रहा है कि ये कितना इजी है या टफ है, तो कितना टफ है इतना। बस एक बात मैं बोलूंगा, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, तो इसमें कुछ खास नहीं है, कर लोगे, अच्छे से प्रिपेयर करो। और जो भी स्ट्रेटेजी का वीडियो आएगा, चाहे मेरा हो या फिर यूट्यूब में जो लोग क्रैक कर चुके हैं उन्होंने बहुत स्ट्रेटेजी दिया है, वो काफी काम का होता है। मैंने मेरे टाइम में भी ऐसे स्ट्रेटेजी देखा था और हेल्पफुल हुआ था, तो आप भी स्ट्रेटेजी एक बार देख लेना। उसके बाद लास्ट में किसी बच्चे ने कट ऑफ के बारे में पूछ रहा था। तो देखो, मेरे हिसाब से लगता है कि ये बहुत इनिशियल स्टेज है, आप अभी कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना होता है। आप एग्जाम का फॉर्म फिलअप का डेट अभी चल रहा है, फॉर्म फिलअप करो, और प्रिपरेशन तो पहले से शुरू करना है। अगर कर दिया तो अच्छी बात है, और नहीं तो अभी से जल्दी से प्रिपरेशन शुरू करो, और एट द एंड आप कट ऑफ देख सकते हो, ताकि थोड़ा बहुत आप कट ऑफ, अगर प्रिपरेशन ठीक ना हो तो आपका प्लान कर सकते हो, एनी हाउ कट ऑफ तक पहुंच जाओ। और कट ऑफ मैं बोलूँ तो लास्ट ईयर कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गया था, और उससे पहले इतना ज्यादा हाई नहीं होता है, बट जितना भी होता है केमिस्ट्री का बिलो 30 ही रहता है कट ऑफ, बट लास्ट ईयर काफी ज्यादा गया था, आई थिंक 38 गया था। तो उतना कट ऑफ तक अप्रोक्स मान के चलो, अगर 30-32 इस तरह का कट ऑफ भी रहता है ना, तो वहां तक पहुंचना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। और आने वाले दिनों में
टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो आएगा। केमिस्ट्री से मैं खुद क्वालिफाइड हूँ तो मैं केमिस्ट्री से दूंगा, और मेरा दोस्त है जो लाइफ साइंस से क्वालिफाइड है, अभी आईआईटी जोधपुर में पीएचडी कर रहे हैं, तो उनसे मैं बात करके थोड़ा कोलाबोरेट करके मैं लाइफ साइंस का भी वीडियो डाल दूंगा कि किस तरह से आप लाइफ साइंस से भी क्रैक कर सकते हो, या फिर ओवरऑल वीडियो दे दूंगा ताकि हर कोई गेट का एस्पिरेंट का हेल्प हो जाए, क्योंकि कुछ पार्ट कॉमन रहता है, ठीक है ना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन करके रखो ताकि जब भी कुछ ऐसा आए तो वीडियो आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।